ओके सो आपने कभी ना कभी स्पीड टेस्ट जरूर चेक किया होगा ये जानने के लिए कि आपके फोन में कितने एमबी की डाउनलोड स्पीड मिल रही है या कितने एमबी की अपलोड स्पीड मिल रही है। तो अगर जब हम अपने स्पीड टेस्ट ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये क्या है और ये कैसे काम करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्पीड टेस्ट ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले एक सर्वर को ढूंढता है, फिर सर्वर से कनेक्ट करता है, उसके बाद जब वहाँ पर आप गो पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले वो पिंग कैलकुलेट करता है, पिंग बताता है कि इतना एमएस का पिंग है, उसके बाद वो जिटर बतलाता है, उसके बाद वो हमारे डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये पिंग क्या है और पिंग का ज़्यादा होना या कम होने से हमारे स्पीड टेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या ये पिंग का कुछ लेना देना भी स्पीड टेस्ट से कि नहीं, फिर ये जिटर क्या है, उसके बाद ये कि हमारे फ़ोन का कैसे बताया जाता है कि हमारे फ़ोन में अभी इतने एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड मिल रही है और इतने एमबीपीएस की अपलोड स्पीड मिल रही है। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो शायद नॉर्मल सबके दिमाग में आते होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सोल्यूशन दिया जाए। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो पसंद आपको, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट मिलने वाले आगे भी, हॉर्न वाले परेशान कर देते हैं बट अभी वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जब हम स्पीड टेस्ट ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाता है कि हम कौन से सिम का नेट यूज़ कर रहे हैं, अभी कौन से सिम का नेट यूज़ कर रहा है जिसका हमें स्पीड टेस्ट निकालना है। तो वो चेक करता है कि हमारे फ़ोन में कौन से सिम का डेटा ऑन है, जियो है या एयरटेल है या वोडाफोन या आइडिया है। जब वो समझ जाता है कि हमारे फ़ोन में कौन से सिम का डेटा ऑन है, उसके बाद वो उस सिम का, उस नेटवर्क का जो भी सर्वर होते हैं जिस एरिया में आप रह रहे हो उसके आसपास जो भी सर्वर होंगे उससे वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो उस तरह के सर्वर से कनेक्ट करता है जो ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी वाला, ज़्यादा नज़दीक हो। कभी कभी अगर आपके नज़दीक में अच्छा सर्वर नहीं मिलेगा तो वो दूर के सर्वर से भी कनेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो सर्वर कौन सा ढूंढता है जिसका कनेक्टिविटी काफी अच्छा हो। उसके बाद जब आप गो पे क्लिक करोगे, गो पे क्लिक करने सबसे पहले वो पिंग कैलकुलेट करता है, ठीक है। पिंग बेसिकली क्या होता है, पिंग ये होता है कि आपका फोन जिस भी सर्वर से कनेक्ट हुआ है उसके बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आप मेरे से 5 मीटर दूरी पे खड़े हो। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ, हे व्हाट्सअप ब्रो, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो ये बात मेरी, ये बात आप तक पहुँचने में लग गया 2 सेकंड का टाइम। अब आपने वो चीज़ सुना, अब वहाँ से आप रिप्लाई करते हो, या आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेरी वेल। अब ये बात आपकी मेरे तक पहुँचने में लग गई फिर से 2 सेकंड, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा उसका रिप्लाई मुझे 4 सेकंड में मिलेगा। मतलब हमारे कन्वर्सेशन की गैप जो होगी वो 4 सेकंड की होगी। सेम उसी तरह फ़ोन और सर्वर के बीच जब कम्युनिकेशन होता है, कुछ अगर रिक्वेस्ट फ़ोन करता है सर्वर से, तो इसके बीच में जितना कम्युनिकेशन गैप होगा, जितना टाइम लगेगा इस कम्युनिकेशन में, उसी को पिंग कैलकुलेट किया जाता है, उसी को पिंग कहा जाता है बेसिकली। और पिंग जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पिंग ज्यादा कम होगा तो आपके फोन और सर्वर के बीच कनेक्टिविटी जो होगी, कम्युनिकेशन जो होगी, काफी अच्छे से हो जाएगी, काफी जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो आपकी पिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिटर के बारे में। तो जिटर बेसिकली क्या है कि पिंग जिस रफ्तार में चेंज हो रहा है उसको जिटर कहा जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन में हो सकता है कि 4 सेकंड का टाइम लगे, कभी हो सकता है 6 सेकंड का टाइम लगे, कभी 2 ही सेकंड का टाइम लग जाए, कभी 8 सेकंड टाइम लगे। मतलब हो सकता है कभी कभी हवा बहुत तेज़ या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन गैप में जो टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है उसको कैलकुलेट करता है जिटर, कि हमारे कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है टाइम का। अब हम बात करते हैं कि डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जिस भी सर्वर से हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है ना, तो उस सर्वर से कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हमारे फ़ोन में भेजा जाता है। अब सर्वर को पता है कि हम कितना डेटा भेजा हमारे फोन में, और उसको ये भी पता है कि हमारे फोन को उस डेटा को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि उस सर्वर से 40 MB का डेटा आया हमारे फोन में, और उस 40 MB डेटा को डाउनलोड करने में हमारा फोन लगा रहा है 4 सेकंड का टाइम, ठीक है। 40 MB डेटा को डाउनलोड करने लगा रहा है 4 सेकंड टाइम, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कि 10 MBPS का डाउनलोड स्पीड है। हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें दूरी पता हो और हमें यहाँ पे समय पता हो तो हम चाल निकाल सकते हैं, कितना चाल है, किस रफ्तार में हमारा वो स्पीड चल रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे हमें टाइम पता है, टाइम समय पता है कितना टाइम लगा डाउनलोड होने में, और हमें पता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, तो उससे हम निकाल सकते हैं स्पीड कितना हो सकता है। तो चाल बट्टा दूरी, मतलब दूरी बट्टा समय, यानी कि डेटा बट्टा समय इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ से हम निकालने के हमारा स्पीड है कितना MBPS का स्पीड है। सेम उसी तरह अपलोड स्पीड काम करता है कि जो भी डेटा हमारे फोन में है उसको अगर हम वापस सर्वर पर भेजते हैं तो कितना टाइम लगता है उस डेटा को सर्वर तक पहुँचने में, उसे निकालेंगे हमारा अपलोड स्पीड कितना है। तो ये था डाउनलोड स्पीड, ये था अपलोड स्पीड। ऐसे ही आप काम करता है हर एक जगह, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड। और ये था पिंग, कि पिंग क्या होता है, पिंग का लो होना क्यों ज्यादा अच्छा है, आप समझ गए होंगे। जिटर क्या होते भी मैंने आपको समझा दिया, और ये सर्वर वगैरह कनेक्टिविटी क्या होता है, आप आपके छोटा सा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझा पाया होगा। बट उसके बावजूद अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप समझ गए, कुछ भी लिख के बता दीजिए कि आप समझ गए। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो गाइस ये था एमडी मानुल्ला, आप देख रहे थे टेक्नोलॉजी नेटवर्क। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।